गुड मॉर्निंग क्लास 11। बेटा हमारा मेडियन टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था कि अगर हमारे पास सीरीज क्यूमुलेटिव सीरीज गिवन है, इट मीन्स व्हेन डाटा इज गिवन इन लेस देन और मोर देन सिचुएशंस, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, और इफ द मिड वैल्यूज आर गिवन इन प्लेस ऑफ क्लास इंटरवल्स, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। नाउ टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में मीडियन वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फाइन, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी, इफ वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग तो सिर्फ आपके पास मीडियन गिवन होगा, लेकिन अगर आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर और दोनों की ही वैल्यूज आपको निकालनी है, तो इन दैट केस आपके पास टू वैल्यूज आर गिवन, वन इज मीडियन एंड अनदर इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीज आपके पास गिवन होगी, इन दोनों की ही हेल्प से यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ सी द क्वेश्चन, हमारे पास टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 458 एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 47। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। फाइन, नाउ क्वेश्चन, क्लास इंटरवल 10 to 20 से लेकर 70 to 80 तक, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Fine. Now, frequency 24, 60, 30 to 40 के क्लास इंटरवल के सामने की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। फिर 130, 50 to 60 भी हमारा मिसिंग है। फिर 50 and 36, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन 458। नेक्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, 84, इसको हम लेफ्ट कर लेंगे, एक एफ वन और एक हमारा एफ टू, तो ये हो जाएगा 84 प्लस एफ वन, 84 प्लस 130, 712 प्लस एफ वन, 217 प्लस एफ वन, सॉरी 4, फिर 214 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, 214 प्लस 15, 264 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, 36, 600 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, 300 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। फाइन, नाउ जो ये वैल्यू है और जो ये नंबर है दोनों सेम होते हैं, इट मीन्स वी कैन राइट दैट कि 300 प्लस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल्स टू 458 लिख सकते हैं हम, ये है ना। अब एक चीज और, हमारे पास मीडियन इज ऑलरेडी गिवन 47, जो मीडियन का आंसर होता है वो हमेशा मीडियन क्लास इंटरवल की रेंज के अंदर ही होता है, तो अगर 47 हमारा आंसर मीडियन है तो किस रेंज में आएगा, कौन से क्लास इंटरवल के रेंज में आएगा 47, इसमें आएगा। इसका मतलब हमारा ये क्या है, मीडियन क्लास इंटरवल, तो अकॉर्डिंग टू मीडियन जो कि 47 है, मीडियन क्लास इंटरवल इज 40 to 50। फाइन, और हमारे पास एक इक्वेशन भी है, 300 प्लस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल्स टू 458, इट मीन्स एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल्स टू 458 माइनस 300, एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल्स टू 158, दिस इज इक्वेशन।
क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ मीडियन का फॉर्मूला नोट कर देंगे, एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, तो ये अगर हमारा मीडियन क्लास इंटरवल है तो ये वैल्यू ऑफ एल वन, ये वैल्यू ऑफ एफ, जस्ट वाली वैल्यू सी एफ, वैल्यूज पुट कर दे। एल वन 40 प्लस एन बाय टू यानी 458 डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा, ये 229 माइनस 84 प्लस एफ वन अपॉन एफ 130 आई 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल। फाइन, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब हम इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और एफ वन की वैल्यू कम कर देंगे, कितनी हमारी मीडियन 47। तो जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, तो हमारा जो सॉल्व करके वैल्यू ऑफ एफ वन आएगा वो कितना आएगा आफ्टर सॉल्विंग, हमारा जो वैल्यू ऑफ एफ वन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 54। एफ टू निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस इक्वेशन है एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल्स टू 158। एफ वन 54, एफ टू 158, एफ टू कितना हो जाएगा 158 माइनस 4, 4, 0, 1। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है एफ वन एफ टू, वहां दोनों वैल्यूज पुट करो। अगर टोटल जो गिवन है फ्रीक्वेंसी का 458 आता है, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। और अगर हमारा टोटल 458 नहीं आता है आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, तो इसका मतलब हमारी कोई सी भी एक फ्रीक्वेंसी या उसका दोनों ही फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही है, गलत आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।